गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक वाईफाई स्टडी विथ नंदिनी, और मैं हूं नंदिनी सिंह। प्लीज़ मेरे चैनल पर बने रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को, देखते हैं क्या है हमारे पास, और उसके पहले हमारा मॉर्निंग का थॉट क्या है इसके बारे में बात करते हैं और अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के विचार में देखिए, खुद की तरक्की में हमें इतना समय लगा देना है कि दूसरों की बुराई के लिए हमें वक्त ही न मिले। बिल्कुल सही बात कही गई है, बिल्कुल सटीक बात कही गई है। अगर आप फोकस्ड हैं, काम में लगे हुए हैं, निरंतर आगे बढ़ने के प्रयास में लगे हुए हैं, सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी एबिलिटी को निखारना चाहते हैं, तो आपके पास समय ही नहीं रहेगा कि दूसरों की बुराई करने के लिए, दूसरे क्या कर रहे हैं उस बारे में इंटरेस्ट लेने के लिए। तो समय के साथ अपने आप में बदलाव करिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए, तरक्की करते रहिए। इन्हीं विचारधाराओं के साथ में मैं स्टार्ट करती हूँ आज की अपनी क्लास को। फर्स्ट जो हम बात कर रहे हैं, जैसा आज है 21 जून, और 21 जून को हम हर साल योग दिवस मनाते हैं, तो इस बार भी हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं 21 जून को। साथ में मैं आपको बता दूं कि इस बार की थीम क्या है। तो इस बार की थीम है वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब होता है कि जो पूरी धरती है, ये पूरी जो वसुंधरा है, वसुंधरा मतलब पृथ्वी, ये क्या है, एक तरीके के परिवार है, फैमिली है। अच्छा, देखो 21 जून को एक खगोलीय घटना होती है। भारतीय परंपरा के बारे में अगर मैं बात करूं, तो भारतीय परंपरा में ये बात कही गई है कि जो ग्रीष्म शीतकालीन संक्रांति हमें पता है, जो जनवरी के महीने में होती है, लेकिन ग्रीष्मकालीन संक्रांति भी होती है जिसमें सूर्य दक्षिणायन होता है ना। तो इसका मतलब यह होता है कि 21 जून को ग्रीष्म संक्रांति मनाया जाता है भारत में, और इसीलिए इस दिन को सेलेक्ट किया गया था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने के लिए। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारत के प्रयासों से ही संयुक्त राष्ट्र महासभा में 11 दिसंबर 2014 को प्रस्ताव पेश किया गया था, और उस प्रस्ताव को पेश करने के बाद में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मंजूरी दे दी थी कि 21 जून को हम हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएंगे। और पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था, तो 2015 में मनाया गया था। कब मनाया गया था, 21 जून को 2015 में फर्स्ट अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। क्लियर हो गई सारी बातें? तो हमने बात कर ली इंटरनेशनल योगा डे के बारे में। ओके, देखिए भारत में योग दिवस के बारे में बात कर रहे हैं, 2023 का जो योग दिवस है 21 जून का, यानी आज का दिन है, वो कैसे मनाया जाएगा? तो इसके लिए मध्य प्रदेश में जो जबलपुर है वहां पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे उपराष्ट्रपति हमारे देश के जगदीप धनखड़ जी, और साथ में ही इस समय जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं मंगू भाई पटेल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह पाटिल जैसे बहुत सारे हमें सेंट्रल गवर्नमेंट के नेता भी देखने को मिल जाएंगे। और थीम क्या है, तो वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग इस थीम के साथ मना रहे हैं। और साथ में मैं आपको ये बता दूं कि 21 जून को भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क, वहां से योग दिवस का, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की स्टार्टिंग करी जाएगी, उसका उद्घाटन किया जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गई बात? तो हमने बात कर ली थी अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के बारे में। अब आइए बात करते हैं, एक सैन्य संयुक्त अभ्यास है, संयुक्त सैन्य अभ्यास है किसके बीच में, और इसका नाम क्या है वो जान लेते हैं। तो सब देखो, जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है इसका नाम है एक्स खान क्वेस्ट 2023। ठीक है, इसमें मंगोलिया में, ये कहाँ पर हो रहा है, तो मंगोलिया में हो रहा है, और इसमें 20 से अधिक देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मंगोलिया के राष्ट्रपति, उनका नाम क्या है, तो उखनागिन खुरेलसुख, ठीक है, इनके द्वारा इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का उद्घाटन किया गया है। और इसमें संयुक्त रूप से जो मंगोलियाई सशस्त्र बल है और यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी पैसिफिक कमांड, इनके द्वारा इसको प्रायोजित किया जा रहा है या आयोजित किया जा रहा है इस सैन्य संयुक्त अभ्यास को, जिसका नाम है एक्स खान क्वेस्ट 2023, जिसमें 20 से अधिक देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्लियर हो गई बात? अच्छा, भारत की तरफ से, भारत भी पार्टिसिपेट कर रहा है, भारत की तरफ से जो गढ़वाल राइफल्स हैं उनका जो सेना की उनकी जो टुकड़ी है वो पार्टिसिपेट करने के लिए मंगोलिया पहुंच गई है। साथ में इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य यह है कि इस सैन्य अभ्यास के माध्यम से जो शांति की प्रक्रिया है पूरे विश्व में उसको कायम करने का प्रयास किया जाएगा, और संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान के लिए काम किया जाएगा। क्लियर? तो हमने बात कर ली यहाँ पे संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स खान क्वेस्ट 2023 के बारे में। ओके,
अब देखो इसका महत्व क्या है। महत्व जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि महत्व सबसे पहले ये है कि ऐसी सेना तैयार करना जो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो शांति सेना के रूप में काम कर सके, कहीं पर भी कोई अशांति होती है तो वहां पर जाके काम कर कर सके, और जो विभिन्न देश हैं उनके पास जो भी टेक्नोलॉजी है, जो भी युद्ध करने के जो तरीके हैं, वो आपस में एक दूसरे को बता सके। इसमें जो है कमांड पोस्ट एक्सरसाइज करी जाएगी, फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज करी जाएगी, और इसके अलावा इसमें अलग तरीके से व्याख्यान किया जाएगा, चर्चाएं करी जाएंगी, अलग उनके जो भी हर देश के जो भी उनके अंदर जो भी विशिष्टता है, जो भी विशेषता है, उसका प्रदर्शन किया जाएगा। मंगोलिया के बारे में बात करते हैं, तो देखो जब आप एशिया का मैप देखोगे और एशिया के मैप में जब आप नॉर्थ मिडिल वाला एरिया देखोगे, नॉर्थ मिडिल वाला एशिया का हिस्सा देखोगे, तो वहां पर आपको मंगोलिया देखने को मिल जाएगा। राजधानी क्या है? तो राजधानी है उलान बटार। क्या राजधानी है? उलान बटार है। मुद्रा यहाँ की क्या है? तो मुद्रा यहाँ की है तुबरिक, और उपराष्ट्रपति सॉरी राष्ट्रपति कौन है यहाँ के? तो जैसा कि हमने बात कर ली, उख नागिन हुरेलसुक यहाँ के राष्ट्रपति हैं। क्लियर? देखिए यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ, कर्नाटक में 1 जुलाई को एक योजना स्टार्ट होगी। 1 जुलाई से एक योजना स्टार्ट की जाएगी जिसका नाम है अन्न भाग्य योजना। ठीक है, तो अन्न भाग्य योजना के तहत कर्नाटक की जो सरकार है वो बीपीएल वाले, यानी जो बिलो पॉवर्टी लाइन वाले, जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले कार्ड धारक हैं, उनको 10 केजी अनाज दिया जाएगा। पहले 5 केजी दिया जाता था, अब उसको 10 केजी कर दिया गया है। तो अब क्या किया गया, कुछ दिन पहले या कल ही की तो कुछ दिन पहले नहीं कल की न्यूज में हमने पढ़ा था कि भारतीय खाद्य निगम के द्वारा जो कर्नाटक सरकार है उसको चावल की बिक्री रोक दी गई है। उसके द्वारा जो चावल की बिक्री करी जाती थी उसको रोक दी गई है ना। तो अब इससे क्या हो गया है, इससे जो कर्नाटक सरकार ने 1 जुलाई से योजना स्टार्ट करी है अन्न भाग्य योजना, उससे क्या हो गया है, उसको लागू करने में उसे परेशानी आ रही है कर्नाटक सरकार को। अच्छा, भारतीय खाद्य निगम का ये कहना था कि हम उन स्टेट को देंगे जहां पर पहाड़ी इलाके हैं, पूर्वोत्तर इलाके हैं, जहां पर खेती नहीं होती है। बाकी स्टेट के लिए चावल और गेहूं की जो बिक्री थी वो रोक दी गई है भारतीय खाद्य निगम के द्वारा। तो यही वाली न्यूज कवर कर रहे हैं। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ने पहले ही मना कर दिया है कर्नाटका को चावल देने से। छत्तीसगढ़ सरकार ने 1.5 लाख टन देने की बात कही है, और जो पंजाब की गवर्नमेंट है उसने भी बोला है कि वो भी मदद करेगी कर्नाटक सरकार की। क्लियर है, समझ में आ गई बात? तो हमने बात कर ली यहाँ पर कर्नाटक सरकार की 1 जुलाई से स्टार्ट होने वाली अन्न भाग्य योजना के बारे में। ठीक है, अब अन्न भाग्य योजना देखो, इसमें पहले भी मैंने बताया आपको जो बीपीएल जो कार्ड धारक हैं उनको 5 किलो अनाज दिया जाता था। 5 किलो अनाज को बढ़ाकर क्या कर दिया गया है, 10 किलो कर दिया गया है। 1 जुलाई से स्टार्ट होने वाली है, और कहा जा रहा है कि इसमें जो लागत आएगा वो प्रति माह लगभग 840 करोड़ रुपए की लागत आएगी राज्य सरकार के लिए। ठीक है, और ये अगर देखा जाए सालाना यानी वार्षिक रूप से अगर देखा जाए तो 10,092 करोड़ यानी 10,092 करोड़ रुपए का खर्च आएगा सालाना कर्नाटक सरकार के ऊपर इस तरीके से अनाज बांटने के वजह से। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं 19 जून को यूके यानी यूनाइटेड किंगडम के बारे में बात कर रहे हैं। तो यूनाइटेड किंगडम क्या कर रहा है, यूनाइटेड किंगडम जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके लिए नया लैंडमार्क ट्रेडिंग योजना लेकर आया है। नए तरीके का लैंडमार्क ट्रेडिंग योजना लेकर आया है यूके यानी यूनाइटेड किंगडम विकासशील यानी डेवलपिंग देशों के लिए। और साथ में मैं आपको बता दूं कि इस ये जो लैंडमार्क ट्रेडिंग योजना है इसके तहत लगभग जो 65 देश हैं, जो 65 विकासशील या गरीब देश हैं, उनको फायदा होगा। क्लियर हो गया? देखिए जो ये योजना चलाई जा रही है यूके के द्वारा यानी यूनाइटेड किंगडम के द्वारा विकासशील देशों के लिए, इसमें 65 देशों को लाभ होने वाला है। ठीक है, और उसके बाद मैं आपको ये भी बता दूं कि इस योजना के तहत जिस भी प्रोडक्ट का आयात किया जाएगा विकासशील देशों से या निर्यात किया जाएगा उसके लिए बाजार की पहुंच को बढ़ाना, जो आर्थिक गतिविधियां हैं उसको बढ़ावा देना, और जो बॉर्डर पे जैसे आयात निर्यात होता है तो उसके शुल्क में कमी करना, इस तरीके से यूनाइटेड किंगडम विकासशील देशों के साथ व्यापार के लिए नई ट्रेंडिंग योजना लेकर आ रहा है। ठीक है, क्लियर। अब योजना से लाभ भी यही होगा कि दोनों देशों का मतलब यह है कि जो विकासशील देश हैं यानी जो 65 देशों का ग्रुप है उनको भी और यूनाइटेड किंगडम को लाभ होने वाला है। दोनों देशों के यानी एक पर्टिकुलर ग्रुप जो देशों का है 65 कंट्रीज का है और यूनाइटेड किंगडम, इनके इनका जो आर्थिक विकास है, इनके
जो प्रोडक्ट है इनके लिए एक मार्केट उपलब्ध हो पाएगा और जो मार्केटिंग की एक नई प्रणाली स्टार्ट हो पाएगी। आइए बात करते हैं कर्मयोगी ऐप के बारे में और साथ में ही कर्मयोगी जो एक स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई है, स्पेशली जो हमारे देश के सिविल सर्वेंट हैं उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए, उनको ट्रेन करने के लिए, उनको प्रशिक्षण देने के लिए कि किस तरीके से वो सरकार में काम कर सकते हैं और किस तरीके से जो वर्तमान में चेंजेस आ रहे हैं उसको भविष्य में किस तरीके से उन चेंजेस से निपट सकते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में बात करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारे देश के युवा हैं वो अपने स्किल का डेवलपमेंट कर सकते हैं किस तरीके से, जो हमारे देश का जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका कार्मिक मंत्रालय है, ठीक है, और इस कार्मिक मंत्रालय के द्वारा ये बोला गया है, घोषणा की गई है कि IGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर, नाम याद रख लेना, IGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर दक्षता नामक एक कैरिकुलम चलाया जा रहा है, एक पाठ्यक्रम चलाया जा रहा है, उस पाठ्यक्रम का संग्रह लॉन्च किया गया है कर्मयोगी जो जो कर्मयोगी जो मिशन है उसके तहत कार्मिक मंत्रालय के द्वारा। और इस पाठ्यक्रम की वजह से, इस पाठ्यक्रम को करने की वजह से जो देश के युवा हैं और जो सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं वो अपने स्किल को डेवलप कर सकते हैं, स्किल के डेवलपमेंट में उनको आसानी हो जाएगी। क्लियर, समझ गए बात? तो हमने बात कर ली किसके बारे में, IGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म अनाउंस्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल टू इंक्रीज द स्किल ऑफ यंग प्रोफेशनल्स। ओके, IGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये ऑनलाइन एक तरीके से एक ऑनलाइन मंच प्रदान कर रहा है हमारे देश में जो सिविल सर्वेंट हैं, जो बनना चाहते हैं युवा, उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा है, उनका उनकी जो भी योग्यता है, योग्यता मैनेजमेंट के लिए, करियर मैनेजमेंट के लिए, नेटवर्किंग के लिए, और साथ में वो चर्चा भी कर सकते हैं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से, मतलब आमने सामने से सीखने के लिए इस पाठ्यक्रम में बहुत सारी ऐसी चीज़ें दी हुई हैं। क्लियर, अब हम बात कर रहे हैं तजिंदर पाल सिंह टूर के बारे में। ठीक है, देखो भुवनेश्वर में अंतरराज्य चैंपियनशिप हुआ है, कहाँ पर, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में अंतरराज्य चैंपियनशिप हुआ है। ठीक है, तो भारत की तरफ से, भारत के जो शीर्ष शॉर्ट पुटर हैं तजिंदर सिंह पाल टूर, ठीक है ना, तजिंदर पाल सिंह टूर, उनके द्वारा एक नया एशियाई शॉर्टपुट रिकॉर्ड बनाया गया है। अब देख लेते हैं ये क्या रिकॉर्ड है। तो देखो इसमें इन्होंने 21.77 मीटर थ्रो करा है, ठीक है ना, और इस थ्रो की वजह से इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है और उसकी वजह से जो ये सबसे लंबी शॉर्टपुट दूरी के लिए विश्व रैंकिंग में 9वें स्थान पर पहुंच गए हैं। ठीक है, और इसके पहले इन्होंने अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया है, इसके पहले 2021 में इन्होंने 21.49 मीटर का रिकॉर्ड पार किया था। ठीक है, और अब इन्होंने कितने मीटर का रिकॉर्ड तोड़ा है, तो कितने मीटर की थ्रो करी है, तो 21.77 मीटर की थ्रो करी गई है तजिंदर पाल सिंह टूर के द्वारा। क्लियर हो गया, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, राज्यपाल गणेशी लाल और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। और मैप में अगर आप उड़ीसा को देखना चाहोगे तो पूरब में बांग्लादेश से सटा हुआ उड़ीसा आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर, तो हमने बात कर ली यहाँ पर तजिंदर पाल सिंह टूर के बारे में। ओके, देखिए हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, एक जल आपूर्ति और उपचार यानी वाटर सप्लाई एंड ट्रीटमेंट के ऊपर एक नेशनल लेवल का वर्कशॉप हुआ है। इस वर्कशॉप के माध्यम से जो भी वाटर सप्लाई और ट्रीटमेंट है उसके ऊपर बात की गई है, और इसमें जो है जो भी नियम बनाए गए हैं उसको तीन भागों में बांटा गया है। एक सबसे पहले इंजीनियरिंग के ऊपर बात की गई है कि किस तरीके से काम किया जाएगा, किस तरीके से रखरखाव और संचालन किया जाएगा जल प्रबंधन के लिए, और कैसे इस पॉलिसी एक पॉलिसी बना के कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। क्लियर है, तो हमने बात कर ली जल आपूर्ति और उपचार यानी वाटर सप्लाई एंड ट्रीटमेंट के बारे में। देखो अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं जिनका नाम है राजनाथ सिंह, उन्होंने वियतनाम पीपुल्स नेवी को, जो वियतनाम का पीपुल्स नेवी है उसको एक स्वदेशी यानी इंडिजीनियस इन सर्विस मिसाइल कॉर्बेट जिसका नाम है INS कृपाण उपहार में दिया है। यानी जो INS कृपाण है उसको उपहार में दिया गया है हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा वियतनाम के पीपुल्स नेवी को। और ये एक तरीके से जो INS कृपाण है ये पूरी तरीके से इंडिजीनियस इन सर्विस मिसाइल कॉर्बेट है।
क्लियर समझ में आ गई बात। अच्छा देखो, वहां के रक्षा मंत्री कौन है? वियतनाम के रक्षा मंत्री हैं फान वान गैंग, है ना। और हमारे देश के रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह जी। तो इन दोनों के बीच में बात हुई थी और भारत ने उपहार स्वरूप वियतनाम को गिफ्ट किया है, और इसकी वजह से जो वियतनाम की नौसेना है, उसको जो उसकी नेवी है, उसको एक सशक्त हथियार मिल गया है। एक तरीके से अगर मैं INS कृपाण के बारे में बात करूं, तो एक तरीके से ये जलपोत की तरह काम करता है, युद्ध में काम करता है। जो क्षेत्रीय सुरक्षा है में जो क्षेत्रीय सुरक्षा होगी वियतनाम का, या जो समुद्री सुरक्षा होगी, उसमें भी ये हेल्प करेगा। ठीक है, तो हमने बात कर ली किसके बारे में? INS कृपाण के बारे में। देखिए, INS कृपाण के बारे में बात करते हुए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एक मिसाइल जलपोत है, ठीक है। साथ में ही अगर इसको समुद्र में डाल दिया जाए तो लगभग 1,350 टन का पानी इसके आने से विस्थापित हो जाएगा, यानी इधर उधर चला जाएगा। इसकी लंबाई के बारे में बात करोगे तो इसकी लंबाई 91 मीटर है, और साथ में ही इसको 12 जनवरी 1991 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। क्लियर हो गया? तो ये थोड़ी सी जानकारी हो गई INS कृपाण के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं अरुंधति रॉय के बारे में। अरुंधति रॉय को उन्होंने एक निबंधों की पुस्तक लिखी है जिसका नाम है आजादी 2021। क्या नाम है? आजादी 2021, एक निबंधों की उनके द्वारा पुस्तक लिखी गई है, और इसका फ्रांसीसी लैंग्वेज में अनुवाद भी किया गया है, जिसकी वजह से इनको 45th नंबर का, यानी 45वें नंबर का यूरोपीय निबंध पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए चुना गया है ना। यानी सेलेक्ट हो गई हैं 45th नंबर के यूरोपीय निबंध पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए, जो अरुंधति रॉय के द्वारा लिखी गई पुस्तक है जिसका नाम है आज़ादी। और ये निबंधों का एक तरीके से संग्रह है, और ये किस फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है? तो ये चार्ल्स व्हीलन फाउंडेशन के द्वारा, चार्ल्स व्हीलन फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, जो यूरोप से रिलेट करता है। इसमें जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि आज़ादी नाम है, तो निश्चित सी बात है कि आज की दुनिया में आज़ादी के क्या क्या मायने हैं, इसकी पड़ताल इसमें देखने को मिल जाएगी। साथ में मैं आपको बता दूं कि अरुंधति रॉय को बुकर पुरस्कार भी मिल चुका है। उनकी बुक का नाम क्या था जिसके लिए इनको बुकर अवार्ड मिला था? तो इनकी बुक थी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इसके लिए इनको पुरस्कार मिल चुका है बुकर। क्लियर? हमने बात कर ली अरुंधति रॉय जी के बारे में, जिनको पुरस्कार कब दिया जाएगा। तो ये अवार्ड दिया जाएगा 12 सितंबर को, कहां पर? स्विट्जरलैंड में। कहां पर? 12 सितंबर को स्विट्जरलैंड में। यूरोपीय निबंध पुरस्कार, आइए इसके बारे में देखते हैं क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, निबंधों के संकलन को दिया जाता है। साहित्यिक पुरस्कार होगा, निश्चित सी बात है। ये स्पेशली जो वर्तमान में जो सामाजिक प्रथाएं चल रही हैं, जो विचारधाराएं चल रही हैं, उस पर अगर कोई आलोचना करता है तो उसके लिए प्रदान किया जाने वाला पुरस्कार है। इसको कब स्टार्ट किया गया था? तो इसको 1975 में स्टार्ट किया गया था। कब स्टार्ट किया गया था? 1975 में इस अवार्ड को स्टार्ट किया गया था। किस फाउंडेशन के द्वारा? तो चार्ल्स व्हीलन फाउंडेशन के द्वारा। नेक्स्ट जो न्यूज है हमारे पास, श्रीलंका के बारे में है। श्रीलंका में एक जिला है, एक डिस्ट्रिक्ट है, जिसका नाम है गाले। क्या नाम है? गाले। तो वहां पर भारत और श्रीलंका ने एक डिजिटल शिक्षा परियोजना के लिए एक दूसरे के साथ टाई अप करा है और अपनी प्रतिबद्धता को जताया है। अब यहाँ पर भारत क्या कर रहा है? तो भारत श्रीलंका के जो गाले डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर एक तरीके से आधुनिक कंप्यूटर लैब और स्मार्ट बोर्ड की स्थापना के लिए मदद कर रहा है। यानी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो मॉडर्न कंप्यूटर लैब होते हैं और जो स्मार्ट बोर्ड होते हैं, उसके स्थापना करी जाएगी। किसके द्वारा? भारत के द्वारा। और एक समझौता हुआ है दोनों देशों के बीच में, और इसके लिए जो राजनयिक नोट एक्सचेंज किए जाते हैं, जब भी इस तरीके का कोई समझौता हुआ है तो वो भी एक्सचेंज किया गया है। भारत की तरफ से जो उच्चायुक्त हैं भारत की तरफ से श्रीलंका में, जिनका नाम है गोपाल बागले, और श्रीलंका के जो शिक्षा मंत्री हैं, श्रीलंका के जो शिक्षा मंत्री हैं जिनका नाम है MN रणसिंघे, सॉरी शिक्षा मंत्रालय के जो सचिव हैं जिनका नाम है MN रणसिंघे, वो भी शामिल हुए थे। ठीक है, और ये कितने स्कूल हैं जहां पर किया जाएगा? तो लगभग 200 स्कूल हैं जहां पर इस तरीके का स्मार्ट बोर्ड और कंप्यूटर लैब लगाया जाएगा। क्लियर हो गया? समझ में आ गई बात? तो हमने बात कर ली भारत और श्रीलंका के बारे में। ओके,
श्रीलंका और भारत की विकास सहायता, देखो भारत जो है श्रीलंका की मदद कर रहा है, न्यूज़ में हम बार बार पढ़ते रहते हैं और कई बार मैंने भी आपको क्लास में समझाया है कि जो श्रीलंका की इकोनॉमिकल कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुकी है, तो दुनिया के जो देश हैं उसकी मदद कर रहे हैं, तो भारत भी उसकी मदद कर रहा है। तो श्रीलंका के विकास के लिए सहायता राशि भारत के द्वारा अभी तक जितनी दी गई है उसमें 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर शामिल है। कितना शामिल है? 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर। आप देख सकते हैं कितना बड़ा अमाउंट है जो सहायता के लिए भारत के द्वारा दिया गया है श्रीलंका को। क्लियर है? और साथ में 25 लगभग श्रीलंका के 25 जिलों में 65 से अधिक जो परियोजनाएं हैं, प्रोजेक्ट हैं, वो भारत के द्वारा चलाए जा रहे हैं। और अभी मैं आपको बता दूं तो जो शिक्षा से रिलेटेड यानी जो डिजिटल शिक्षा प्रोजेक्ट है उसमें लगभग 20 से अधिक जो प्रोजेक्ट है वो चल रहे हैं इस समय श्रीलंका में, जो भारत के द्वारा चलाए जा रहे हैं। यानी कुल 65 चलाए जा रहे हैं 25 जिलों में, और जिसमें से सिर्फ 20 ऐसे हैं जो एजुकेशन के लिए प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं भारत के द्वारा, कहाँ पर? श्रीलंका में। क्लियर हो गई बात? श्रीलंका के बारे में जैसा कि हम सबको अच्छे से पता है कि एक उष्ण कटिबंधीय देश है, उष्ण कटिबंधीय देश है, द्वीप के रूप में स्थित है। भारत का जो आप भारतीय उपमहाद्वीप को देखोगे तो दक्षिणी पूर्वी तट पर आपको देखने को मिल जाएगा जो मन्नार की खाड़ी है, और जो पाक जल डमरू मध्य है उससे भारत से अलग होता है श्रीलंका। इसकी राजधानी कोलंबो है, ठीक है, और साथ में श्री जयवर्धनेपुरा है जो विधायी राजधानी कही जाती है। आधिकारिक भाषाएं यहाँ पर तमिल भी बोली जाती है, सिंगल भी बोली जाती है। राष्ट्रपति रानिल विक्रम सिंह है, प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने है, और मुद्रा यहाँ पर श्रीलंकियाई रुपया है। क्लियर हो गई बात? देखिए हम बात कर रहे हैं, एक फेंसिंग चैंपियनशिप हुई है, ठीक है, यानी जो तलवारबाजी चैंपियनशिप हुई है चीन के वुशी में, ठीक है, तो वहां पर महिलाओं के लिए यानी जो फीमेल कैटेगरी है उसके लिए वुमेन सेबर कॉम्पिटिशन हुआ है, वुमेन सेबर कॉम्पिटिशन हुआ है। इस कॉम्पिटिशन में भारत की जो भवानी देवी हैं इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। कौन सा मेडल जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है, और इन्होंने जापान की मिसाकी एमुरा को हराकर ये जो ब्रॉन्ज मेडल है ये जीता है। एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप के बारे में बात करूं तो ये एशियन फेंसिंग कॉन्फेडरेशन के द्वारा एशिया ओशिनिया जोन के लिए आयोजित किया जाता है, यानी जो एशिया और ओशिनिया वाला जो क्षेत्र है उसके लिए ये जो इवेंट है, ये जो चैंपियनशिप है, ये कराया जाता है एशियन फेंसिंग कॉन्फेडरेशन के द्वारा। और सबसे पहले इसको 1973 में तेहरान में आयोजित कराया गया था, ठीक है, और बाद में धीरे धीरे ये जो टूर्नामेंट है ये कई देशों में इसको कई देश इसमें शामिल होने लगे। क्लियर? तो हमने बात कर ली हमारे देश की भवानी देवी के बारे में, जिन्होंने जो वुमेन सेबर कंपटीशन है इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता है। चीन के बारे में बात करो तो देखो जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं चाइना को, चाइना की स्थिति क्या है, तो आप देख सकते हैं जो एशिया का महाद्वीप है वहां पर चाइना आपको दिख जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा एक देश है ये, साथ में ही राजधानी बीजिंग है, यहाँ के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है, और साथ में कांग्रेस अध्यक्ष कौन है यानी कि जो यहाँ की संसद है उसके अध्यक्ष कौन है, तो झाओ लेजी है। कौन है? झाओ लेजी यहाँ के संसद के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं, जो महासागर है उसका संरक्षण करना बहुत जरूरी है, तो महासागरों के संरक्षण के लिए जो संयुक्त राष्ट्र है उसने पहली बार खुले समुद्र में समुद्री जीवन की सुरक्षा के लिए संधि कराई है, और इसमें 193 देश शामिल हुए और 193 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए और साथ में ही उन इस संधि का समर्थन भी किया है। और इसके तहत क्या होगा? इसके तहत जो समुद्र है, समुद्र का जो ऊपरी हिस्सा है जिसमें जीवन रहता है यानी जो जिसमें जो समुद्री जीव रहते हैं उनकी रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए अलग-अलग देश अपने तरीके से काम करेगा, जिससे कि जैव विविधता को, जो समुद्र की जैव विविधता है उसकी रक्षा की जा सके और उसको बचाए रखा जा सके, ठीक है। और ये संधि 20 वर्षों तक चलेगी, यानी 20 ईयर्स के लिए ये संधि करी गई है। क्लियर हो गई बात? और संधि कब करी गई? तो 19 जून को संधि ये करी गई है महाराष्ट्र, जो महासागर हैं, जो हमारे ओशंस हैं उनके संरक्षण के लिए, उसमें जो जैव विविधता रहती है उनके उसके संरक्षण के लिए। ओके,
देखिए, जैसा कि हम सबको अच्छे से पता है कि जो महासागर हैं उसमें जैव विविधता है, उस जैव विविधता को बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे हमारा जो पारिस्थितिकी तंत्र है, हमारा जो इकोसिस्टम है, हमारे पर्यावरण का, एनवायरनमेंट का, वो सुरक्षित होता है। मानव जीवन का जो आर्थिक कल्याण है वो भी महासागरों के संरक्षण से जुड़ा हुआ है, और लगभग बताया जाए तो लाखों लोग महासागरों की वजह से ही अपने जीवन को जी पा रहे हैं, यानी जो आर्थिक सुरक्षा है महासागरों की वजह से मिली हुई है ना। तो इसमें आप देखेंगे लोग जलीय कृषि करते हैं, मत्स्य पालन करते हैं, और साथ में ही लगभग देखा जाए तो 93% की जो गर्मी होती है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, जो 93% की गर्मी होती है, जो ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं, वो महासागरों के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। तो इससे हम सबको अच्छे से समझ जाना चाहिए कि महासागरों का जो संरक्षण है वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ह्यूमन बींग के लिए। ओके, नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं, यहाँ पर भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो भारतीय मानक ब्यूरो है उसने ये बात बोली है कि जो 24 फुटवेयर उत्पाद हैं उनके लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया है, यानी जो 24 फुटवेयर उत्पाद हैं उनके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। किसके द्वारा? भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा, और 1 जुलाई 2023 से इस नियम को अनिवार्य कर दिया गया है, और साथ में जो फुटवेयर निर्माता है वो 1 जनवरी 2024 तक इस जो नियम बना है इसका पालन करना होगा उन्हें, है ना। अब ये क्यों किया गया है? तो इसका उद्देश्य ये है कि जो दूसरे देशों से फुटवेयर उत्पाद भारत में आ रहे हैं उनकी गुणवत्ता की जांच होगी, उनकी क्वालिटी की जांच होगी, और उसके बाद उसको जो है मार्केट में लाया जाएगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए जो भारतीय मानक ब्यूरो है उसने ये बात बोली है कि 1 जुलाई 2023 से जो 24 फुटवेयर उत्पाद हैं उनको लाइसेंस लेना अनिवार्य हो गया है। ठीक है, देखिए, ये जो फुटवेयर के लिए जो 24 फुटवेयर उत्पाद हैं, प्रोडक्ट हैं, इनके लिए लाइसेंसिंग अनिवार्य कर दी गई है। उसके पीछे का रीज़न ये है कि उनके जो क्वालिटी है उसमें बार बार शिकायत मिल रही थी, है ना। तो शिकायत की वजह से ही जो भारतीय मानक ब्यूरो है उसके द्वारा ऐसा किया गया है, और साथ में ही जो बाहर की कंपनियां हैं जो फुटवेयर बेच रही हैं भारत में, उनके उनकी उनका जो आयात है उसको रोकने के लिए भी ऐसा किया गया है, जिससे कि जो भारतीय फुटवेयर कंपनियां हैं उनको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो सके। क्लियर? देखिए, जो मानक रत्न ऑनलाइन एक्सचेंज फोरम लाया गया है उसके पीछे का रीजन ये है कि उपभोक्ता अपनी सभी शिकायतों को इस फोरम के माध्यम से, इस ऑनलाइन एक्सचेंज फोरम के माध्यम से जिसका नाम मानक रत्न है, उसके माध्यम से कंपनी तक पहुंचा सके, और साथ में जो भारतीय मानक ब्यूरो है उस तक भी पहुंचा सके। ठीक है, भारतीय मानक ब्यूरो के बारे में बात करें तो आपको, जैसा कि जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है ये स्पेशली भारत का जो खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय है उसके तहत एक राष्ट्रीय मानक निकाय के रूप में काम करता है, यानी नेशनल स्टैंडर्ड के रूप में काम करता है। इसका मुख्यालय हमें पुरानी दिल्ली के मानक भवन में देखने को मिल जाएगा। इस समय इसके महानिदेशक कौन है? तो प्रमोद कुमार तिवारी है। कौन है? प्रमोद कुमार तिवारी इसके महानिदेशक हैं। ओके, देखिए, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इंडोनेशिया ओपन 2023 के बारे में। ठीक है, तो इंडोनेशिया ओपन 2023 के बारे में बात करते हुए मैं आपको बता दूं कि इसमें एक इवेंट होता है जिसका नाम होता है BWF सुपर 1000 इवेंट। BWF सुपर 1000 इवेंट, इसमें युगल खिताब के लिए जो भारतीय जोड़ी है, जोड़ी किसकी थी? तो सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी थी, तो ये जोड़ी जीत गई है। और साथ में मैं आपको बता दूं कि भारत की तरफ से BWF सुपर 1000 इवेंट जीतने वाली भारत की तरफ से ये पहला युगल है ना, यानी पहली जोड़ी है जिसने इस तरीके का खिताब जीता है इंडोनेशियाई ओपन 2023 में। क्लियर हो गई बात? और इन्होंने किसे हराया? तो इन्होंने हारून चिया और सोहो वुई इक को हराया, यानी जो मलेशियाई विश्व चैंपियन जोड़ी थी उसको हराकर ये खिताब जीता है। क्लियर? तो हमने बात कर ली किसके बारे में, हमारे देश के जो युगल जोड़ी हैं बैडमिंटन के लिए, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी के बारे में। अच्छा, इंडोनेशियाई ओपन के बारे में बात करते हुए इसकी स्टार्टिंग के बारे में बात करते हैं। तो इसकी स्टार्टिंग कब करी गई थी? तो 1982 में करी गई थी बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडोनेशिया के द्वारा,
ठीक है। और ये जो है हर साल होने वाला इवेंट है, टूर्नामेंट है, और साथ में मैं आपको बता दूं कि ये पूरी तरीके से पूरी दुनिया में जो बैडमिंटन से रिलेटेड जो गेम्स खेलते हैं उनको प्रमोट करने के लिए किया जाता है। इंडोनेशिया के बारे में बात करते हैं, तो इंडोनेशिया का जब आप देखोगे तो इंडोनेशिया एक द्वीप के रूप में आपको देखने को मिल जाएगा, जिसके राष्ट्रपति जोको विडोडो हैं। राजधानी इसकी जकार्ता है और मुद्रा इसकी इंडोनेशियाई रुपया है। क्लियर हो गई? तो इस सेशन में इतना ही दोस्तों, फिर कल मिलेंगे नए न्यूज़ के साथ में, नए विचारधाराओं के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। खूब खुश रहिए, खूब पॉजिटिव रहिए और खूब जीवन में आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय।